हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे डेटा अपडेट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कैसे डेटा को डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए आप ब्राउज़र में जाइए, देखिए मैंने कैसे डेटा को डिस्प्ले कर रहा था। यहाँ पे एक बटन लगा दूंगा, यहाँ पे जब भी वे यूज़र क्लिक करे तो यहाँ पे डेटा अपडेट की फॉर्म आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे पीएचपी एडिटर में जाइए और यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करके नाम दे दीजिए अपडेट अपडेट डॉट पीएचपी और इसको सिंपली सेव कर दीजिए और सेव हो जाएगा। यहाँ पे HTML को बेसिक टेम्पलेट इंसर्ट करिए और यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो इंसर्ट के फॉर्म से सेम होगा, तो इस फॉर्म को आप कॉपी कर लीजिए। सिंपली फॉर्म को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट अभी सेव कर दीजिए। सेव हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू इंसर्टेड का जाएगा, मैं यहाँ पे अपडेट लिखना पड़ेगा और सिंपली सेव कर दीजिए। यहाँ पे मैंने अपडेट का बटन लगाऊंगा, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सिंपली डिस्प्ले में जाइए। यहाँ पे एक बटन लगाना के लिए आपको एक TD ओपन करना होगा और TD क्लोज, यहाँ पे एंकर टैग और यहाँ पे एक बटन ओपन करता हूँ और क्लोज, यहाँ पे एक एंकर टैग और यहाँ पे एक सिंपली नाम दे दूंगा अपडेट के, सेव कर दीजिए और ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए। देखिए दोनों अपडेट बटन आ गया। मैं चाहता हूँ कोई भी यूजर जब अपडेट बटन पे क्लिक करे और एक फॉर्म ओपन होगा और वहाँ पे डेटा इनपुट करके इंसर्ट बटन पे जब क्लिक करे तो अपडेट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए यहाँ पे जो अपडेट एंकर टैग में अपडेट डॉट पी एच पी फाइल को लगाना होगा, अपडेट डॉट पी एच पी और इसको सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए, देखा क्या होगा, अपडेट अपडेट डॉट पी एच पी में आ गया। मैंने पहले ही अपडेट डॉट पी एच पी फाइल क्रिएट कर रहा था, वही यहाँ पे आ गया। यहाँ पे नेम और रोल इंसर्ट कर यहाँ पे लिख के जब अपडेट बटन पे क्लिक करें तो डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे जब कोई अपडेट बटन पे क्लिक करे और अपडेट बटन पेज पे जाइए, इसके साथ साथ एक आईडी भी पास करना होगा। इसके लिए सिंपली ID क्वेश्चन मार्क और ID इक्वल्स टू PHP ओपन PHP क्लोज और यहाँ पे इको रिजल्ट डॉलर रिजल्ट और कॉलम नेम क्या है ID और यहाँ पे सेमी कॉलम सेव। ब्राउज़र में जाइए और रिफ्रेश करिए। देखिए मैं जब अपडेट बटन पे माउस ले जाऊंगा, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है आईडी। इस टेबल डेटा में जब नेम और रोल है, यहाँ पे और एक टेबल डेटा लगा दूंगा। इसके लिए एडिटर में जाइए और यहाँ पे डिस्प्ले डॉट पीएचपी में आइए। यहाँ पे
टीडी की बदला में टीएच लगाइए और यहाँ पे अपडेट, और इसको आप टीडी के बदले में टीएच करिए। असेंबली सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करिए, देखिए नेम रोल अपडेट, और डिलीट कर लिए एक और एक टेबल डेटा टीएच लिखना होगा इसके लिए, यहाँ पे सिंपली डिलीट, डीएलई डिलीट, और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए अपडेट और यहाँ पे डिलीट। यहाँ पे देखिए जब अपडेट बटन में मैं क्लिक करूँगा तब अपडेट पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे देखिए ID 1 आ गया। तो जब नेम और रोल के फील्ड में, नेम और रोल लिख के जब अपडेट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तब आप डेटाबेस में सेव हो जाना चाहिए। इसके लिए update.php में जाइए और यहाँ पे अपडेट क्यूरी लिखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे PHP टैग ओपन करता हूँ और PHP टैग क्लोज करता हूँ। सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन, इसको आप फर्स्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए इंक्लूड और फाइल नेम, फाइल नेम क्या, connection.php। connection.php और यहाँ पे इस अपडेट, यहाँ पे जो अपडेट बटन क्लिक जो क्लिक कर लीजिए 1 आ रहा है, इसको आप गेट कर लेंगे। इसके लिए एक वेरिएबल लिख करके ID इक्वल्स टू डॉलर गेट, और यहाँ पे ID सिंपली और सेव करिए। ID यहाँ पे $ID वेरिएबल में ये सेव हो जाएगा। इसके बाद इफ इनसेट डॉलर पोस्ट और बटन के नेम सबमिट, एंड यहाँ पे नेम और रोल को गेट करना होगा। इसके लिए एक वेरिएबल ले लीजिए और डॉलर पोस्ट इक्वल टू नेम, यहाँ पे सिंपली नेम की कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट, इसको कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद रोल के लिए करना होगा, इसके लिए रोल, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखना होगा। इसके लिए एसक्यूएल अपडेट अपडेट डेटाबेस का टेबल नेम प्रॉड सेट कॉलम नेम नेम और यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू क्या है देखिए डॉलर नेम। और दूसरा कॉलम रोल, रोल और वैल्यू डॉलर रोल। उसके बाद यहाँ पे ID लिखना होगा, हायर हायर ID इक्वल्स टू
एस वैल्यू को आप यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे सेमी कोलन, एस के सेमी कोलन, और इसके बाद इस क्वेरी को रन करना होगा। इसके लिए क्वेरी के रन करने के लिए क्वेरी के रन करने क्या करना होगा, देखिए माई एस क्यूएल आई क्वेरी, माई एस क्यूएल आई क्वेरी, और यहाँ पे कनेक्शन वेरिएबल, मेरा कनेक्शन वेरिएबल है डेटा और एसक्यूएल। सिंपली यहाँ पे इफ इफ क्वेरी वेरिएबल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसके चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट लगाना होगा, इफ क्वेरी एंड इको डेटा अपडेटेड और एल्स इको डेटा नॉट अपडेट। और इस फाइल को प्लीज सेव करिए और ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करिए। नेम इसको मैं यहाँ पे इस कॉलम को मैं अपडेट करना चाहती हूँ, इसके लिए अपडेट बटन पे क्लिक करिए और राहुल के जाएगा, मैं दे दूँगा कुछ भी नाम दे दीजिए आप, मैं यहाँ पे कुलजीत और यहाँ पे रोल दे दे रहा हूँ 4। अपडेट बटन पर क्लिक कीजिए, डेटा अपडेट हो गया। देखिए डेटा अपडेट मैसेज भी आ गया, इसको चेक करने के लिए आप लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन पे जाइए और यहाँ पे अपनी डेटाबेस पे जाइए, और मेरा डेटाबेस है पीएचपी क्रॉड और टेबल का नेम है क्रॉड, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को डेटा अपडेट करा था, यहाँ पे नाम लिखा था राहुल और यहाँ पे मैंने कुलजीत का अपडेट करा था, और रोल 4 देखिए सक्सेसफुली आ गया है। और एक को मैं अपडेट करना चाहती हूँ, यहाँ पे ये रिफ्रेश करके देखिए, यहाँ पे कुलजीत आ गया, यहाँ पे कुलजीत की जगह में मैंने राहुल कर दूंगा, इसके लिए राहुल और रोल कोई भी नाम दे दीजिएगा, मैंने 54 दे दिया। अपडेट देखिए डेटा अपडेट हो गया, और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करिए, देखिए राहुल और रोल 54 यहाँ पे आ गए, ये डेटा अपडेट ठीक से काम कर रहा है। डेटाबेस में जाकर देखिए और सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए देखिए और ब्राउज़र में आप रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा अपडेट हो गया है।